गाइस ये देखो कुछ नज़ारा, मेन लाल किले का जो एंट्री गेट दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस दिल्ली वाला ब्लॉग जो था लाल किले का, तो वो अपलोड कर दिया है, वो आपने देख ही लिया होगा। वो बाकी जो उसका अगला पार्ट है, मतलब ब्लॉग जो है कम से कम 22-23 मिनट का हो रहा था, सोचा कि चलो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आज अपलोड कर दूंगा, एक कल अपलोड कर दूंगा। दो दिन जो है आपको लगातार ब्लॉग देखने मिलेगा। बाकी आगे जो है, जैसे कि मैं पहले ब्लॉग डालता था डेली, तो एक दिन का गैप कर करके, तो ऐसे ही आप तो फिर से अपना ऐसे ही ब्लॉग आने लगेगा। तो फिलहाल अभी नहा के रेडी हो गए हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं अभी तक, तो अभी चाय वाय पी रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। आज थर्सडे है, बन्ना गेड़ी के बाजार है, तो चलते हैं फिलहाल। बाकी आप जाके इसके आगे का ब्लॉग देखिए, दिल्ली वाला जो रह गया था नेक्स्ट पार्ट, तो आप जाकर तो अपना ले लिया है। तो गर्मी में देखो हालत कैसी हो रही है हमारी, अंकित भी आ रहे हैं पीछे। तो अभी इस मार्केट का दुकान निपटा दिया है, अब जा रहे हैं दूसरी मार्केट चांदनी चौक। तो देखते हैं अभी चांदनी चौक जाके थोड़ा सामान और ख़रीदना है, उसके बाद जाएंगे सीधा। फिर टाइम हो ही जाएगा, 5 बजे निकलेंगे हम यहाँ से बस से। तो देखते हैं चांदनी चौक पहुँचते हैं, उसके अंदर ये काफ़ी सोचा कि चलो गन्ने का गिलास पीते हैं। तो यहाँ पर जो ये इस टाइप का देखो, ये दूध पिलाया जा रहा है ठंडा एकदम चिल्ड, सब लोग पी रहे हैं इधर मस्त। तो यहाँ से जो है राजीव चौक से हमें चेंज करने के, हमें जाना पड़ेगा येलो लाइन पे। तो हम जाते हैं सीधा यहाँ से सीढ़ियों से, देखना यार यहाँ से देखो चेंज करके। तो कुछ ये है मेट्रो स्टेशन यहाँ का, आ चुके हैं येलो लाइन की ओर, मेट्रो ही है, इसी में जाएंगे सर बैठ के। अपना ये वाली मेट्रो तो चली गई है, तो उसके अगले वाली ट्रेन से मेट्रो से जाएंगे। तो अपन घूम फिर के भी तो आए हैं, पता चल गया कौन से कहाँ से आया, लेकिन हाँ जा रही है इधर को, लेकिन ये आगे चल जा गई और वो लाइन अलग है, ये लाइन अलग हो गई, वो नीचे चल रही है, ये वो ऊपर चल रही है। चलते हैं बाहर, जो यहाँ की थोड़ा मार्केट दिखाता हूँ देखो आपको। और इससे पीछे जो हम अभी आ रहे थे, वहाँ तो बहुत ही बहुत खतरनाक वाली दुकानें थी, कुछ ऐसे इस तरीके से वो लहंगे लहंगे मिल रहे हैं एक से खतरनाक। तो ये है मार्केट यहाँ की, तो फिलहाल अभी देखते हैं जहाँ हमने जाना है, दुकान मिल नहीं रही है। हाँ जी, जो भैया हमें सामने जा रहे हैं लेने के लिए आ गए थे हमें, तो उनको कॉल कर दिया था। तो मार्केट जो है ये है देखो, दुकान में पहुँच चुके हैं, माल वाल सेलेक्ट करते हैं फटाफट, चल दिया अभी। ये देखो कितना सारा कलेक्शन है यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, ये देखो इधर अपना मस्त कर रहे हैं माल सेलेक्ट। जल्दी फटाफट से अपना माल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो भाई माल तो अपना ले लिया है, अब चलते हैं सीधा रिक्शा पकड़ के। माल ये रहा सारा, और कुछ ट्रॉली में है, तो सोचा था कि ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करा देंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट ना करा के साथ में लेके जा रहे हैं ये सारा माल हम। तो रिक्शा करते हैं और चलते हैं फटाफट। तो अपना बस पहुंच चुके हैं बस के पास में, तो बस का टाइम है 5 बजे चलेगी यहाँ से। ये अपना माल वाल ला के यहाँ पर रख दिया है, तो देखते हैं सामान वामान रखते हैं, उसके बाद बात करके फिर अपना बैठेंगे, खाएंगे पियेंगे। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो अभी चलते हैं, फिर बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो गाइस अभी खड़े हैं हम लाल किले के पास में, तो लाल किला जो है थोड़ी सी दूरी पर ही है, लेकिन अब जो है माल वूल हमारे साथ में है, तो इसलिए हम जा नहीं सकते इस समय। फिलहाल अभी दिखाया था आपको लाल किला, तो ये देखो यहाँ से सामने से दिख रहा हुआ है लाल किला, ये वाला सारा लाल किला ही है यहाँ से, मतलब सामने से उधर से कहीं से जाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी जो है ये माल वगैरह है हमारे पास, तो जा नहीं सकते छोड़ के, अगर अभी खाली होते तो हम जा सकते थे अभी। तो फिलहाल देखते हैं, अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आना हो तो पहले घूमेंगे, उसके बाद ही माल खरीदेंगे। तो उधर सामने अंकित भी गए हैं अभी खाने का सिस्टम देखने के लिए, मतलब खाना अगर यहाँ पर इस लाइन पे हुआ है, मतलब खाने का कुछ आइटम किला वेला है तो ठीक है खा लेंगे, नहीं तो फिर अभी देखते हैं जाते हैं फिर कहीं और जाएंगे। और दूसरा इधर रखा अपना माल वाल रखा ही है, तो इसे छोड़ के अभी जा नहीं सकते, तो देखते हैं अभी थोड़ी बहुत देर बाद फिर अंकित भी आते हैं वापस, फिर जाते हैं खाना खाने के लिए। अभी जो है अंकित घूम घाम के आ गए हैं, खाने वाने का कहीं पे भी सिस्टम कुछ नहीं था, तो देखते हैं अभी थोड़ी बहुत देर में जाएंगे, सामान वामान रख जाएगा ना हमारा, तो देखते हैं यार खाने पीने का सिस्टम कहीं इधर आसपास हुआ तो। फिलहाल अभी सुबह से भाग दौड़ इतनी हो रही है कि कुछ खाया भी नहीं है, भूख लग रही है काफ़ी तेज़।
सो गाइस ये वही जगह है जो संडे को यहाँ पर मार्केट बाजार लगता है सुबह 4 बजे से लेके और शाम को 7:30 सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे तक बाजार लगता है। ये सब वही जगह है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी लाल किले के पास में, तो अंकित भैया को जो छोड़ के आ चुका हूँ, मतलब वहाँ पर मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, मैं अकेला टहल के आता हूँ, तुम खड़े हो थोड़ी देर यहाँ पर, तो देखते हैं अभी चलते हैं दिखाते हैं आपको चलकर लाल किला। तो भाई अभी पहुँच चुका हूँ लाल किले के बिल्कुल एंट्री गेट पर। तो पहले क्या था, जब मैं आया था लास्ट टाइम तो उस समय एंट्री नहीं थी, तो अभी देखो कितने सारे लोग अंदर अपना मस्त घूम रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखो बाहर कितनी भीड़ भाड़ हो रही है, तो अभी चलते हैं देखते हैं यार क्या सीन है। तो भाई इधर से जो है एग्जिट कर रहे हैं सब लोग, तो अभी बोला है कि गेट नंबर 2 पे जाके वहाँ से एंट्री करो, तब ऐसे घूमते हुए आना आराम से। तो चलते हैं अभी 2 नंबर गेट पे। सो गाइस लाल किले गेट के अंदर एंट्री तो कर ली है, 2 नंबर गेट बताया था वो अंदर एंट्री करके आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं सामने ही है, घूमते हैं आपको दिखाते हैं। मतलब टाइम हो चुका है, मतलब ये कि वीडियो में मैं चलो दिखाने के हिसाब से थोड़ा जल्दी आ ही गया मैं, और टाइम होने वाला है बस का जाने का 5 बजे का। और इधर देखो कितनी भीड़ हो रही है, देखो कितने टूरिस्ट आए हुए हैं, सर कितने मस्त व्यू है और कितनी भीड़ भाड़ है, काफ़ी मस्त व्यू है यहाँ का। ये देखो कितनी भीड़ है, तो अंदर जो शायद वहाँ से टिकट ले रहे हैं घूमने का अंदर। तो फिलहाल हम तो जो अभी घूम घाम के ऐसी बाहर से चल देते हैं, तो अंदर घूमने का वहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल जो इतना टाइम नहीं है, चले तो जाते लेकिन फ़िलहाल अभी देखते हैं ऐसे बाहर से घूम के दिखाते हैं आपको, चलते हैं फिर। तो यह है कुछ लाल किले की दीवारें, अंदर का भी जाना हुआ नेक्स्ट टाइम तो जाएंगे, फ्री होके, फ़िलहाल अभी टाइम नहीं है इतना। यह है देखो लाल किला, और गर्मी से बुरा हाल हो चुका है, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है गाइस, हालत ख़राब हो रही इतनी गर्मी में। फिलहाल अभी चलते हैं आगे, देखते हैं आगे का नज़ारा दिखाते हैं आपको चलकर, तो आप देखते रहो ऐसे ही, तो करते हैं आगे की वीडियो कंटिन्यू, देखते रहो आप। सो गाइस बस पहुंच ही गए हैं उस जगह जिस जगह जाने वाले हैं हम, मतलब एंट्री जो जहाँ से एग्जिट हो रहे हैं उस जगह पहुंच ही गए हैं, लेकिन एग्जिट जगह जो है इतना मस्त व्यू है, चलते हैं आपको दिखाते फटाफट। ये है देखो यहाँ का नज़ारा, कुछ इसके अंदर जाएंगे तो कुछ और ही नज़ारा होगा वैसे, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे पास टाइम नहीं है, 5 बजे निकलना है बस, 5 बजे की बस है, तो फ़िलहाल अभी टाइम हो रहा है उस समय, टाइम हो रहा है 4:30, हमें जो 5 बजे निकलना है यहाँ से, तो इतना टाइम नहीं है, फिलहाल चलते हैं देखो यहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। तो कुछ ये नज़ारा देखो गाइस यहाँ का, कितना मस्त व्यू और कितनी पब्लिक है देखो यहाँ पर, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं आया था तो उस समय कुछ भी नहीं था, बंद था सारा, यहाँ पर एंट्री नहीं थी, तो अभी देखो कितनी पब्लिक है देखो गाइस यहाँ पर। और ये सब चीज़ दिखाने के लिए आपको मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आया हूँ, मगर चलो अंदर अभी क्या पता एंट्री हो ना हो आगे फिर कभी, तो फिलहाल अभी चलते हैं फटाफट। ये देखो अभी आगे से दिखाऊंगा, देखो पीछे से कितना मस्त व्यू आने वाला, देखो गाइस ये देखो कुछ नज़ारा, मेन लाल किले का जो एंट्री गेट दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं, तो सामने जो पूरा व्यू आपको दिख रहा है, तो ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। बाकी हालत ख़राब हो गई है गाइस गर्मी में भाग भाग के, तो अभी फिलहाल चलते हैं जल्दी फटाफट, बस का टाइम होने वाला है चलने का। मैं जो यहाँ के फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने थे खींचने थे, तो इधर भैया से खिंचवा लिए हैं, इधर भैया खड़े हैं, तो यहाँ का व्यू देखो आपको दिखा देता हूँ, तो चलते हैं फटाफट आगे का नज़ारा दिखा देते हैं आपको, और चलते हैं सीधा बस पे। अंकित भैया का फ़ोन भी आ गया है, बाकी गाइस यहाँ पर पब्लिक बहुत है, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं देखो यहाँ पर घूमने, तो चलते हैं अभी थोड़ा बहुत और आगे का एरिया दिखा देते हैं आपको, फिर चलते हैं आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखो आप फिलहाल अभी चलते हैं, वैसे आगे के लिए बहुत लंबा है, फिलहाल अभी चलते हैं बाहर एग्जिट होते हैं और आगे का नज़ारा दिखाते हैं। सामने देखो एक मंदिर पड़ता है ये, बाकी मंदिर का पता नहीं, ये मंदिर का नाम है श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर। तो यहाँ का ये वाला रोड जो है, ये यहाँ का भी नज़ारा कुछ अलग ही है, चलते हैं फिलहाल अभी बाहर देखते हैं अभी। तो गाइस गर्मी में घूम घूम के हाल हो चुका बहुत बुरा, तो सोचे कि चलो एक कुल्फ़ी खा रहे थे, तो एक मटका कुल्फ़ी ली है ये वाली,
तो चलते हैं अभी फटाफट खाते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। अंकित भैया फ़ोन कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं बस के पास में। अंकित भैया ने अभी खाना खा लिया अपना, ये राइस राजमा चावल दिया है अंकल ने पीछे। तो बहुत देर से हम ढूंढ रहे थे, कोई मिला ही नहीं खाने वाला, मतलब खाना कहीं पर मिला ही नहीं था। तो देखते हैं फटाफट खाते हैं अपना, बैठते हैं बस में। तो गाइस फाइनली अपना यहाँ से चल दिए हैं, तो 5:14 हो चुके हैं। अब देखते हैं रात को कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो चलते हैं फिलहाल अभी यहाँ से। तो गाइस अभी रुके हैं मस्त ढाबे पे, पानी वानी पी लिया है, खाना पीना देखते हैं कितना कुछ खाते हैं, ब्रेड पकौड़े या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। तो बस अपना सामने उधर खड़ी हुई है, आधा घंटा बस रुके ही अपना, चलते हैं कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद बैठते हैं अंदर। इधर अपना दो पिज्जे ले लिए हैं, मतलब खाने पीने का सामान ले लिया अपने, चलते ही बस में बैठ के अपना मस्त खाएंगे। तो गाइस बस चली गई है और सामान अपना उतर गया है, हमें टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं पूरे। तो अपना चलते हैं, बुलाते हैं किसी को, सामान मार रख के फिर पहुँचते हैं सीधा घर। तो गाइस फाइनली अपना घर पहुँच चुके हैं। तो इस समय टाइम हो रहा है 11:50 हो चुके हैं और लाइट भी नहीं आ रही थी जब मैं आया था, तो उस समय लाइट भी नहीं थी। तो अभी जस्ट लाइट आई है, तो अभी चलते हैं खाना वाना खाते हैं, उसके बाद इस ब्लॉग को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।